गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए, हमने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि हमको कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जब वाक्य में किसी काम को करने के लिए योग्यता, क्षमता, बल, बुद्धि आदि के बारे में मतलब जरूरत होती है, तो हम ऐसे वाक्यों में कैन लगाते हैं। दूसरा, जब किसी को कड़ाई से कोई काम करने का आदेश दिया जाए तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। और जब तीसरा, हमने बताया था आपको, कहीं पर कोई काम करना निषेध होता है, मतलब प्रोहिबिटेड होता है, कोई काम करना वर्जित होता है, तो वहां भी कैन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत रूल हैं, जब मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा वहां तब आपको एक एक रूल को और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपको यहां पर यही बताया है, और इतना से आपका काम कॉम्पिटिशन का भी चल सकता है, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, आज हम बात करेंगे मे के लिए, तो मे का हम सबसे पहले आज लिखेंगे यूज ऑफ मे। हमने लास्ट वीडियो में लिखा था यूज ऑफ कैन। मे का प्रयोग कहां करेंगे, जब वाक्य में, जब वाक्य के शुरू में शायद है या संभव है लगा हो, जब वाक्य के शुरू में शायद है या संभव है लगा हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। देखो, शायद बच्चे मेरा नाम भूल जाएं, संभव है आज वर्षा हो। देखिए, इन दोनों वाक्यों में भाई विजुअल ठीक है ना, विजुअल हो रहा है ना, शायद। देखिए, अब इनके शुरू में लग रहा है, आप देखिए एक्चुअली हम क्या सोचते हैं ना कि वाक्य के अंत में, अब अगर इसके अंत को देखोगे तो ये जाए, वाक्य के अंत में ता है, ती, ता था, ती, ती, ते, ते, आ, ई, ए, ऊ आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन यहां देखिए, शायद लगा हुआ है, शायद या संभव, प्रोबेबिलिटी किसी काम को, सॉरी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी, किसी काम को करने की संभावना। तो देखिए, शायद बच्चे मेरा नाम भूल जाएं, तो चिल्ड्रन मे फॉरगेट माई नेम। संभव है आज वर्षा हो, इट मे रेन टुडे। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से बच्चे लोग, अब यहां सर इट क्यों लगाया, हमने आपको बता रखा है यूज ऑफ इट में, हमने प्रॉपर आपको बता रखा है। अगर आपने यूज ऑफ इट नहीं पढ़ाया तो आप प्लीज यूज ऑफ इट और यूज ऑफ देयर को पक्के से पढ़ें। जब किसी वाक्य में वर्षा, ऋतु, दिन, मौसम, महीना आदि के बारे में बातें की जाती हैं, तो हम ऐसे वाक्यों को इट से बनाते हैं, यानी कि उनका सब्जेक्ट इट बनाते हैं हम। इट मे रेन, सर इसका पैसे बन सकता है क्या, इसका तो बनेगा ही नहीं, सर इसका पैसे बन सकता है क्या, हाँ बिल्कुल बन सकता है। क्या भूल जाए, मेरा नाम, तो देखो माई नेम, अब देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए ना, मे बी फॉरगॉटन माई चिल्ड्रन, नीचे लिख देते हैं ना, बाई चिल्ड्रन। क्लियर हो गया यहां तक। सर इसका दूसरा रूल क्या होता है, जब किसी काम को करने या होने की पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना प्रकट हो, तो हम ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, लेट्स। तो देखिए, वह बुड्ढा आज रात को मर सकता है, हैं जी, बुड्ढे को मारोगे, वह बुड्ढा आज रात को मर सकता है,
आज चांद जल्दी निकल सकता है, आज चांद जल्दी निकल सकता है। अब देखिए, वह बुड्ढा आज रात को मर सकता है। अब सर संभावना है, अब पक्का थोड़ी ना मर जाएगा, हैं कि मार की मानेगा नहीं। तो देखिए, वह बुड्ढा, तो वह के लिए तो सर ही आता है, नहीं। हमने आपको बताया था, यदि वह के बाद नाउन लगा हो, वह के बाद कोई नाउन आता है, या हम कहें किसी की ओर इशारा किया जाए, इशारा तेरे करती निगाह, गाना नहीं सुना है, इशारा तेरे करती निगाह, तो देखिए इशारा तेरे करती निगाह पर मैं आपको बता रहा हूं, दिस दैट दीज दोज, इसका मतलब यह है या इस, वह या उस, ये या इन, वे या उन, ये आपको बता रखे हैं। तो इशारा करने के लिए आपको यहां पर ध्यान देना है, इशारा करने के लिए आपको ध्यान दिया है। अच्छा, ये मे नेम हो गया है, सॉरी। यहां पर देखो दोस्तों, माई नेम आएगा यहां पर, हम मे कर गए इसको, ऐसे भूल चूक तो लेने देनी यार है, वैसे भी आपको बता रहे हैं ना, भूल चूक लेने देनी यार, थोड़ा सा आप सपोर्ट करें चैनल को, है देखो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमको। तो दैट ओल्ड मैन मे डाई आज रात को, तो टुनाइट, कब वो कब मर जाएंगे, आज रात को, आज चांद जल्दी निकल सकता है। तो देखो द मून, ओहो सर एक बात बताओगे जरा, बिल्कुल सर, मैं कहूंगा तुम चारों लोगों से, पांचों छह जो भी हैं यहां पर, आप मुझे चंद्रमा की मीनिंग लिख के दिखा दीजिएगा और 10 का नोट पाइएगा मुझसे, हैं जी, आ जाइए, कोई नहीं, आप आइए यार, आप इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो आपकी वजह से बन पा रही है, आइए तो सही, आइए राहुल, आइए आप मून की मीनिंग लिखिए, और मून की मीनिंग लिख के मैं आपको 10 रुपये दूंगा अगर आपने सही लिखा। तो सर आप ट्राई करेंगे, अरे अभी दूंगा तुरंत, मतलब विश्वास नहीं है गरीब आदमी पर, अरे मानता हूं कि मैं YouTube से कुछ कमा नहीं रहा हूं, बस सेवा के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों को, लेकिन 10 रुपये तो मैं दे सकता हूं आपको, आप लिखेंगे, अब देखिए कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा आप लोग कमेंट में लिखना सच्ची सच्ची, और फिर मैं आपको आपका पेटीएम नंबर देना, मैं आपको पैसे पेटीएम करा दूंगा, खैर मैं नहीं चलाता, मैं करवा दूंगा। देखिए सर, देखिए अगर ये मून है ना, इसका मतलब चांदनी है, अगर ये सन है ना, इसका मतलब धूप है, ये अर्थ लिखा है ना, अर्थ ERTH, इसका मतलब धरती है, है सर, ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं सर जी, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो, अरे कुछ नहीं, अगर इसके पहले तुमने दा लगा दिया, दा लग गया, तब इनका अर्थ क्या होगा, चांद होगा, इनका अर्थ क्या होगा, सूर्य होगा, इसका मतलब क्या होगा, पृथ्वी होगा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहां पर द मून लगेगा, द मून, अगर खाली मून है, ये आपको जब कंपटीशन में जब स्टेंजा वगैरह देते हैं ना, वहां पर चीजों को करने के लिए पैसेज वगैरह, तो उस पैसेज में और पोइम के स्टेंजा वगैरह में, तो वहां पर ये आपको दे देगा, एक दा हटा देगा, कहेगा इसमें क्या गलती है, इस पोइम में क्या गलती है, या इस पैसेज में क्या गलती है, तो वहां पर आपको देखना है। तो द मून कैसा सेंस बनना है उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। द मून मे राइज या अराइज, ठीक है, अर्ली टुडे। सर और कहीं इसका यूज करते हैं, वैसे करने को तो बहुत है, लेकिन तुम फिर लड़ोगे मुझसे, कहोगे सर कैन के तो मैं तीन बताए, इसके तीन नहीं बताए, इसको एक और लिख देते हैं, जब किसी को, जब किस, क्या बात हो गई बंदे बताओ, कोई दिक्कत है, हाँ भाई कोई दिक्कत है, बताओ तो फिर क्यों उधर मचा रहे हो, जब किसी को नम्रता पूर्वक या प्यार पूर्वक अनुमति दी जाए, तो हम
मे का प्रयोग करते हैं। मतलब सर अगर हमको किसी की अनुमति, नम्रता, नम्रता जानते हो, पोलाइटली, पोलाइटली कोई बात कही जाए, जैसे कि तुम इस कलम का प्रयोग कर सकते हो, तो यू मे यूज दिस पेन, यू मे यूज दिस पेन। यहां पर ये बात आपको समझ आए, यहां पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब हम कह सकते हैं एक का दौर लिखें, तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, इसका क्या सेंटेंस बनेगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपका हर सॉल्यूशन लेके जितना देखो, मैं मुझे आता है चीजों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही हूं सब कुछ या मुझे ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मैं जानता हूं, जितना मैं आपकी मदद कर सकता हूं, एक आपका भाई, एक आपका टीचर, आप जो भी मुझे मानते हैं, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं जितनी, तो मैं आपके लिए तैयार हूं। आप प्लीज पढ़िए और अपने भविष्य को बनाइए। और अगर आप लोगों को मेरा ये परिश्रम अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट करना है, और आपके सपोर्ट का मुझे इंतजार है, और मुझे पता है कि आप एक दिन मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास।